चलिए बच्चों, क्लास नंबर 161, जो हमारे पुराने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, जैसे कमेंट बॉक्स में जो आंसर देते हो आप, वो कल से लगने शुरू होंगे। आज सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं, क्योंकि जब हम टेस्ट ले लेते हैं तो उसके बाद एक्सरसाइज रोक देते हैं एक दिन के लिए। रेटिसेंट शब्द, इसका मतलब होता है बच्चों कम बोलने वाला, अल्पभाषी। तो इसका अगर सिनोनिम पूछता तो रिजर्वड, सिनोनिम पूछता तो इंट्रोवर्टेड, सिनोनिम पूछता तो डिफिडेंट, एंटोनिम है गैरुलस, और गैरुलस के जो सिनोनिम है बच्चों वो हैं टॉकेटिव या कम्युनिकेटिव। लोक्वेशियस ये सब सिनोनिम है। अच्छा, बात लोक्वेशियस की चल रही है तो दो शब्द दूं आपको, बताओगे ये क्या क्या होते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट एक तो ये है, बताइए क्या होता है ये, और एक होता है सोमनिलोक्विस्ट। चलिए, आपने बता दिया होगा, ये मैं बता दूं आपको। पहले वाला होता है नींद में चलने वाला, दूसरा होता है नींद में बातें करने वाला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आई रिसीव्ड ए लो स्कोर। अच्छा, मैं इस टाइम अल्फाबेट कौन सी पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको? एस। आप देख रहे होंगे आर वाले भी है, थोड़े से रह गए आर वाले हैं इसके अंदर, एस वाले शुरू होंगे लेकिन आज। तो आई रिसीव्ड अ लो स्कोर ऑन माई एस, मुझे अपने निबंध पर कम स्कोर मिला, क्योंकि द पेपर वाज, देखो विद है तो फुल तो आएगा नहीं, क्योंकि फुल को चाहिए ऑफ। रिक्विजिट का मतलब होता आवश्यक, तो ये हो गया नेसेसरी, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि बता रहा है कि मार्क्स कम मिले हैं। ये दोनों बचे, इन दोनों को चाहिए विद, और इसे भी चाहिए विद। ये एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा कह सकते हैं आप, लेकिन एक फर्क है। अगर किसी जगह पर कीड़े मकोड़े, चूहे, सांप बड़े पैमाने पर हों जो नुकसान पहुंचा रहे हों जगह को, वहां पर यह इन्फेस्टेड विद आता। लेकिन जब कोई चीज़ भरी हुई है, गलतियों से भरा हुआ ऐसे है, या कमरे में कुछ भरा हुआ है, तो रिप्लेट विद कुछ ना करो आप। इन दोनों में जो बढ़िया आंसर है वो दूसरा है। तो मेरा जो ऐसे था, जो मेरा पेपर था, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, रिप्लेट विद मिस्टेक्स था, तो मुझे कम स्कोर मिला, यही आंसर है। ऑफ होता तो फुल आता। रिप्लेट विद ध्यान रखना से भरा हुआ। बच्चों, रेनिगेड का मतलब होता है हमारा ये कह सकते हैं गद्दार, यानी कि धोखेबाज। ये क्या होता है, ये अपने देश या अपने समुदाय या अपने जो सिद्धांत है उन्हें छोड़ के दूसरों के साथ शामिल हो जाता। तो इसका सिनोनिम टर्नकोट भी है, सिनोनिम ट्रेटर भी है, सिनोनिम रिबेल भी है, एंटोनिम फेथफुल होगा क्योंकि ये वफादार होता। तीसरे का आंसर चौथा एंटोनिम है। बच्चों, रेप्रीजल का मतलब होता है सजा। तो मुझसे अगर सिनोनिम पूछेंगे तो पहला, लेकिन अगर एंटोनिम पूछे तो एग्जेम्पशन, क्योंकि ये होती छूट। और रेमिफिकेशन की बात करेंगे तो ये परिणाम होता है किसी चीज का, निगेटिव इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस। निगेटिव जब नकारात्मक आए, मतलब कि दुर्गामी परिणाम आए, दुष्परिणाम आए, तब तो इसका सिनोनिम कॉन्सिक्वेंस भी बन जाएगा। और रेजिम की अगर बात करेंगे, रेशिम पढ़ते हैं इसे, तो इसके लिए बन जाता है बच्चों सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की व्यवस्था। खत्म हो जाएगा मेरा आंसर चार का पहला है। पांचवें नंबर पे रैम्पेज है, इसका मतलब होता है बच्चों भगदड़। ये क्या होता है, किसी जगह से बहुत तेजी के साथ भागना और अफरा तफरी मच जाना, रैम्पेज। इसका सिनोनिम रियट है। अगर एंटोनिम पूछोगे तो हारमोनी, क्योंकि ये शांति होती है, अच्छा तालमेल। रैल्म की बात करेंगे, रैल्म तो ये किंगडम होता है, ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ आपको। और रिफ्ट की बात करेंगे तो ये दरार होती है, क्रैक या ब्रेक। पांचवे का आंसर दूसरा हो जाएगा। अगर छह की बात करेंगे तो सफल का मतलब होता है लचीला, मतलब ये जो है ऐसा है कि अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेगा, लचीला सा होता। तो इसका सिनोनिम फ्लेक्सिबल भी है, फिनोनिम निम्बल भी है, और अजाइल भी है, फुर्तीला होता ना ये। एंटोनिम स्टिफ है, ये होता कड़क, सख्त, स्टिफ। अगर आपके शरीर में स्टिफनेस होती है तो आपका शरीर अकड़ता है उस टाइम पे, ऐसा लगता है आपको जैसे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा हो शरीर हमारा,
हड्डियां जकड़ जाती हैं, छह का आंसर दूसरा है। अब आता है बच्चों एस नंबर पे हमारा सरमाइज, तो इसका मतलब होता अनुमान, गैस, पक्का नहीं होता इसमें, अनुमान होता है। इसका सिनोनिम पता कौन सा होगा, चौथा, और एंटोनिम नो है, अजीब लगेगा आपको लेकिन सच है, नो में हो गया जानना, इसमें अनुमान हो गया तो एंटोनिम नो बनेगा इसका। रिफ्ट की बात करेंगे तो फिर वो याद आता क्रैक, और बच्चों राइफ की बात करेंगे तो ये होता किसी बुरी खबर का, अफवाह का, दूर दूर तक फैला हुआ होना, राइफ, वाइड स्प्रेड, सात का आंसर चौथा हो जाएगा। आठवें नंबर पे स्पूरियस शब्द जो है ये होता है बच्चों जाली या नकली। अगर आपको इसका एंटोनिम चाहिए तो पहला, सिनोनिम चाहिए तो फेक, सिनोनिम चाहिए फाल्स, सिनोनिम चाहिए तो काउंटरफिट। काउंटरफिट में ध्यान रखना ई आई होता, यहाँ ई आई होता तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी, आठवें का आंसर पहला हो जाएगा। फिर नौ नंबर पर आते हैं तो स्टेलमेट, देखो बच्चे एक तो होता है चेकमेट और एक होता है स्टेलमेट, दोनों ही आप शतरंज के खेल में सुन सकते हो या देख सकते हो। ये तो हो गया हरा देना, चेकमेट हो गया मतलब वो जीत गया, उसने सामने वाले को हरा दिया, चेकमेट कर दिया उसने, वो उन्हें अपना आखिरी चाल चली और किधर चेकमेट, यानी कि अब उसके पास कोई चाल नहीं बची, वो हार चुका है, ये चेकमेट हो गया। स्टेलमेट होती है वो स्थिति जिसमें जो प्यादे हैं या जो भी उसके अंदर खिलाड़ी हैं खेलने वाले, जो भी हाथी घोड़ा प्यादा वगैरह जो भी हैं, ऊँट वगैरह, राजा वजीर, वो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि चाल चलना बड़ा मुश्किल, लेकिन अभी हार जीत का फैसला नहीं हुआ, फंस गए वो, सामने वाला भी और ये भी, अब क्या चाल चलें। ऐसी स्थिति को बोलते हैं अवरोध, बाधा उत्पन्न हो गई, इसे बोलते हैं स्टेलमेट। इसका सिनोनिम जो है बच्चों वो इम्पास बन जाएगा। रिग्रेस की बात करेंगे तो ये होता है बहुत ध्यान से और बारीकी से चीज़ों को करने वाला, बहुत सख्ती से, स्ट्रिक्ट होता वो होती है स्ट्रिक्ट। और प्रोग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी की जांच पड़ताल करना, यानी कि भविष्यवाणी करना कि वो किस तरीके की बीमारी है, क्या क्या उसमें हो सकता है। और प्रीटेक्स्ट की बात करेंगे तो ये एक्सक्यूज होता है, बहाना। नो का आंसर पहला हो जाएगा। दस नंबर पर आएंगे तो स्क्वेलिड होता गंदा, तो इसका सिनोनिम दूसरा बन जाएगा, एंटोनिम क्लीन बन जाएगा। पैसे का मतलब होता है बच्चों ऑब्सोलीट, पैसे पहले चलते थे अब रुपये चलते हैं ना, पैसे तो खत्म हो गए, जो 25 पैसे 50 पैसे तो प्राचीन हो गया, ये पैसे याद कर लेना इसे, ऑब्सोलीट। हाइएटस का मतलब होता है बच्चों विराम, रुकना, पॉज या ब्रेक। 10 का आंसर दूसरा हो जाएगा। 11 पे जाएंगे तो सेलुब्रियस का मतलब होता है बच्चों हितकारी, फायदे का, जिससे आपको फायदा होगा। सिनोनिम पूछते तो हेल्पफुल, सिनोनिम पूछते तो बेनिफिशियल, सिनोनिम पूछते सेलुटेरी, सब सिनोनिम ही है। अनहेल्दी आंसर हो जाएगा पहला, एंटोनिम। 12 की बात करेंगे तो एक ईडियम होती ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब होता सभी के लिए या सभी, तो इसका जो आंसर बनता वो बनता एवरीवन, ठीक है। ये तो हो गए ईडियम ऑल एंड सन्ड्री, लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ सन्ड्री की तो ये होता विभिन्न प्रकार का, कई प्रकार का, इसका आंसर सेवरल है और इसका आंसर वेरियस भी हो जाता, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर लगा देंगे 12 का तीसरा, ओनली वगैरह कुछ नहीं है। रिबेलियन की बात करूंगा तो ये विरोध होता, विद्रोह होता है, रिवॉल्ट, एक और सिनोनिम है इसका म्यूटिनी, ये भी विरोध होता, आंदोलन करना किसी के खिलाफ, म्यूटिनी। 12 का आंसर तीसरा हो जाएगा। 13 नंबर पे हूँ फिर मैं, साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, ये जो साइकोफेंट होते हैं अगर आपके हैं ये तो ये दुश्मन होते हैं, यानी कि जो चापलूसी करते हैं, तारीफ करेंगे आपकी और आपसे काम निकलवा लेंगे, जबकि उनके दिल में आपके लिए नफरत हो सकती है, तो साइकोफेंट चापलूस होता है। इसका सिनोनिम अगर पूछेंगे तो दूसरा, एंटोनिम फेथफुल है, ये वफादार होता, ये जो आप हो कमी है तो आपको बता देगा, लेकिन ये तारीफ ही करता रहेगा हमेशा, ये धोखेबाज होता। अगर हम इसे एडजेक्टिव या अगर हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूप दें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो साइकोफेंसी बनेगी, ये होती चापलूसी, ठीक है, कभी इस रूप में आ जाइए तो इसका सिनोनिम भी फिर नाउन ही बनेगा, फ्लैटरी, नोट कर लेंगे आप इसे। सेंगवाइन की बात करेंगे तो ये होता आशावान, यानी कि होपफुल, पुराना शब्द है, अब नहीं पूछूंगा मैं, सेंगवाइन हो गया, एस वाला पहले भी हो चुका, ऐसे वाली बुकलेट में आ गया, सेंगवाइन का मतलब होता आशावान, अच्छा होगा कुछ ऐसी उम्मीद में।
और रेपेगनेंट का मतलब होता है बच्चों अनप्लीजेंट, बेकार सा, नुकसानदायक सा। 13 का आंसर दूसरा हो जाएगा। 14 नंबर पाएंगे स्टैन। स्टैन का मतलब होता कलंक, धब्बा। सिनोनिम पूछेंगे तो स्टिग्मा, और सिनोनिम पूछेंगे तो डिसग्रेस। एंटोनिम पूछा तो ऑनर, ऑनर होता सम्मान। और लेथर्जी होती है बच्चों इनर्शिया, मतलब कि आलस या कोई काम करने की स्थिति ना होना, थकान होना। 14 का आंसर चौथा हो जाएगा। स्नियर का मतलब होता है बच्चों मजाक उड़ाना। और इसका सिनोनिम बनेगा मॉक, एंटोनिम बनेगा प्रेज। और मेटल का जो सिनोनिम है आप जानते ही हैं, करेज होता, साहस। और रेज का जो मतलब है वो गिराना होता है, ढा देना, डिमोलिश या पुल डाउन। 15 का आंसर चौथा हो जाएगा। 16 नंबर पाऊंगा तो सलिसिट का मतलब होता है बच्चों विनती करना, विनती करना। इसका एक यूज और है, लिख सकते हैं आप, जब आप वेश्या जो होती है एक प्रोस्टिट्यूट, जब आप कभी इनके बाजार में जाओगे, इनकी बाजार होते हैं, घर बने होते हैं, ये रेड लाइट के नाम से अलग अलग नामों से होते हैं, तो वहाँ इनके द्वारा एक काम किया जाता है। आप देखो हर किसी का अपना एक प्रोफेशन होता है, इनका प्रोफेशन ये होता है। तो जैसे दुकानदार चाहता है कि उनके पास ग्राहक आए, ऐसे ही ये भी लोग चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने बातों से या कुछ अंदाज से ये विनती करते हैं, मतलब हमारे पास आ जाओ इस टाइप से, तो वो सॉलिसिट कहलाता है उस टाइम पर, ठीक है ना। सॉलिसिट ये उसके लिए भी यूज हो जाएगा। सिनोनिम बनाएंगे तो बच्चों इसका आंसर पहला है। इसका एक सिनोनिम और है रिक्वेस्ट, विनती करना, ठीक। अच्छा क्विबल की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कमी निकालना, फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट। अगर बात करूंगा पेसिफाई की तो ये होता है शांत करना, यानी कि काम डाउन। और प्रोटेस्ट की बात करोगे तो ये विरोध करना होता है बच्चों, इसके लिए बन जाएगा रिवेलियन। नोट करें आप इसे। फिर मैं जाऊंगा फ्रेजल वर्ब पे, जो एस वाली है सारी की सारी, हो चुकी है शायद पहले। ये सेट इनका मतलब होता है मौसम का शुरू होना, कोई मौसम अगर लग जाए, मौसम लगना या शुरू होना, जैसे बरसात शुरू होना, गर्मी शुरू होना, इस टाइप से। सेंड फोर का मतलब होता है बुलाना, एम्बुलेंस बुलाना, डॉक्टर बुलाना, इंजीनियर बुलाना, मैकेनिक बुलाना, किसी भी तरीके से, इस टाइप से। सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना, यात्रा पर रवाना होना। और सी ऑफ का मतलब होता है अलविदा कहना, सी ऑफ करने जाते हैं किसी को स्टेशन वगैरह पे, अलविदा कहना। 17 का जो आंसर है शुड वी सेट, नहीं सॉरी, शुड वी सेंड फॉर ए डॉक्टर, क्या हमें एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए। 17 का आंसर दूसरा, सब वही है ये। द रेनी सीजन हैज सेट इन, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। वी ब्लैंक फॉर आवर ऑफिस, हम अपने ऑफिस के लिए 9 बजे रवाना हो जाते हैं, सेट ऑफ कर जाते हैं हम। आंसर तीसरा हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, कल की क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी, आज छोटी क्लास थी, लेकिन हमारा काम आज हो गया। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, गलत है। एनोनिमस में आता है OUS। इंटरप्शन गलत है, INTERRUPTION। इसमें US गलत था, इसमें सिंगल R गलत है। ऑनोरेरी गलत है बच्चों। ऑनर में तो आप कह सकते हैं एक बार को कि ऑनर होता, ठीक है ना, इसमें ये भी होता और ये भी होता, लेकिन जब ऑनोरेरी होता तो ऑनोरेरी में यू नहीं आता है, ये होता है ऑनोरेरी अवैतनिक, जिसमें सैलरी नहीं मिलेगी और काम करता है वो। आंसर है चौथा एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है अपने आप को किसी माहौल के अनुकूल बना लेना। बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।